आखिरी जो सिटी है पाकिस्तान का उसका, और उससे आगे भारतीय शहर फिरोज वाला है। रोना आता है सुन माना है गड्डिया दो गड्डी क्या रुका रहे बंद कर पान जाओ सी जेरी कबूल बनी थी वो मागी है हम बोलना ने सटे सी के सुने आए वाले साहब कह रहे थे कि पेटियां दिया पेटियां एडे एडे संदूक नोटा नाल भरे बैग ओ ठाड़ के लोका दे थे रोंदे थे सब छड़ के नस गया ओ तो ये हो मती छतियां कटियां रियां पत्ते ना सुना होया फौजिया गड्डिया खड़ी ही ना इतने बाल गड्डी खड़ी सी पेट्रोल इतने जो मारे बंब तो उन्होंने एक गड्डी अग लग गई। आप ये देखें आपको तबाह हाल ट्रेन मिलेंगी कुछ इस ट्रैक के ऊपर। ओह माय गॉड यार ये तो आगे एक और बहुत बुरी हालत में बोगी है, एक मुकम्मल तबाह हुई हुई है ये। ये उसी दौर की पुरानी ये बनी हुई है जी, 250 साल पुराना घर है ये रखे हुए हैं। ये शौक है आपका? ये जो से मेरे गुरु थे ना, अच्छा, मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला, ये उसका शौक था ये, फिर ये उसी के हाथ के हैं ये सब। ये जो बर्तन ये क्या ये पड़े हुए हैं, ये जो गिफ्ट हैं कोई? हाँ जी, ये मेरा बड़ा गुरु, इनसे जो से बड़े थे ना वो इंडिया गए थे। अच्छा, इनसे बड़े वहाँ से ले। जी हाँ नाज़रीन, हम जा रहे हैं इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ। सुबह 5:30 बजे हैं और अपना अगला सफ़र जो है वो हम ट्रेन में करेंगे हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान के पंजाब का जो शहर फिरोजवाला है उस तरफ। तो बहुत मज़े का ये जर्नी होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस ट्रिप में। इस वीडियो को कहीं से स्किप ना करिएगा। और मैं अपनी टीम का शुक्र गुज़ार हूँ जो इस वक्त सुबह सादिक मेरे साथ लाहौर की इन सड़कों पे मटर गश्त कर रही है। जी हाँ नाज़रीन, मैं सब मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पे। तो ट्रेन हमारी जो है वो प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, बल्कि रेडी है, निकलने लगी है ये। तो बैठते हैं हम इस ट्रेन में और हिंदुस्तान की तरफ जो अपना सफ़र है उसका आगाज़ करते हैं। आइए नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल मुगल के शुगल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। ये नाज़रीन सुबह सुबह का टाइम है और ये वो रावलपिंडी एक्सप्रेस नहीं है जो लेफ्ट द स्टेशन शुएब अख्तर साहब वाली। तो हम लाहौर रेलवे स्टेशन को इस वक्त छोड़ रहे हैं और भारत की तरफ फिरोजवाला की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। बहुत खूबसूरत ट्रैक है ये। अहमद आजा, किधर घूम रहा है ये? जी वो अहमद साहब दूसरे ट्रेन मिस कर गए हैं हमारे, लेकिन ये अहमद आज साथ हैं। तो अहमद अभी तक मज़ा आ रहा है यार? बहुत मज़ा आ रहा है, चले चिल करते हैं आगे। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं जी आज, और माइक शाइक सेट करते हुए ग्लासेस मेरी प्लेटफॉर्म पे रह गई हैं, और ना सिर्फ ग्लासेस रह गई हैं बल्कि वो मेरे जो दूसरा कैमरा मैन है अहमद वो भी रह गए हैं, कहीं रास्ते में ही थे तो वो इस ट्रेन को पकड़ नहीं सके। होप कि आगे जाके वो बाई रोड गाड़ी का वैसे मैंने कहा है वो हमें ज्वाइन कर लें। ये ब्रिज है ऑरेंज ट्रेन का, बहुत खूबसूरत व्यू है। लाहौर में स्मोक जो है इसने बहुत तंग किया हुआ है और जो पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन वो बहुत ज़्यादा है। वो खूबसूरत सा ट्रैक मिलेगा जी, एक खूबसूरत सा आपको ट्रैक मिलेगा और सामने वो एक ब्रिज है जो कि ऑरेंज ट्रेन का है। बहुत खूबसूरत व्यू है ये। ये ओल्ड अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए स्टाफ के जो रूम्स हैं वो हैं। या नाज़रीन अगर हम ट्रेन की बात करें तो ये आप देखें ये इकोनॉमी क्लास है बेसिकली, और चूंकि छोटा सा जर्नी है हमारा, 8-10 स्टेशन है बीच में। तो अहमद यहाँ आप लेट सकते हैं जी,
ऑलमोस्ट सेम ही है जी, इंडो पाक की जो ट्रेन हैं हमारी, तो ये इकोनॉमी क्लास है बेसिकली। ये जी हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है वाल्टन का, ब्रिटिश दौर का। तो दोबारा विसल दे दिया है हमारी ट्रेन ने और ये दोबारा चलने के लिए तैयार है। अगर आप देखें तो बैग पकड़ ले। अरे सर आ जाए, आ जाए आप भी आ जाए। थैंक यू। ये मिस कर गए हैं जी ट्रेन, ट्रेन मिस कर गए हैं ये। वाल्टन स्टेशन लेफ्ट किया है और अब ये हमारी जो ट्रेन है ये रवा दवा है भारतीय शहर पंजाब का जो फिरोज वाला है उसकी जानिब। तो हम चलेंगे पाकिस्तान के आखिरी शहर इस पटरी जहाँ पे इसका अख्ताम होता है उस पॉइंट तक चलेंगे। उससे आगे आपको जो है वो जीरो लाइन दिखाएंगे, गांव दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, सनराइज अभी नहीं हुआ, स्मोक है, एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह। ये जी अगर मैं ठीक हूँ नाजरीन तो ये लाहौर का कोट लखपत रेलवे स्टेशन आ गया है। बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं मेरी इस जगह के साथ और इधर जो है वो डेली बेसिस पे कभी नाश्ते होते थे, लंच और डिनर पार्टीज़ होती थी दोस्तों के साथ। बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं जी मेरी इस जगह। जी हाँ नाजरीन, ये भी एक ब्रिटिश दौर का बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन है। तो हम भी चलते हैं, ट्रेन चल पड़ी है। बड़ा खूबसूरत कल्चर है जी ये भी हमारे पंजाब का, बलून्स हैं, कॉटन कैंडी है। लेट हो गए हैं ये, लेकिन बैठ जाएंगे, वो सामान फेंका उन्होंने और चढ़ गए हैं। ये नाजीन हमारे पंजाब पुलिस के जवान हैं, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है। बीइंग अ नेशन हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हमारे सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस के जवान हैं। बिना टिकट सफ़र कर रहे थे और एक शहरी को उन्होंने रोका, तो काइंडली पाकिस्तान रेलवे ये का सासा है। रेलवे बहुत आपके लिए सहूलियात, एक म्यारी सफ़र और बहुत सारी सहूलियात आपको देती है। तो बिना टिकट सफ़र ना करें, अपने सिक्योरिटी इदारों से, इनसे सिक्योरिटी पे मामूर जो अफराद हैं इनसे प्यार करें, मोहब्बत से पेश आएं। ये देखें एक नई सोसाइटी बन रही है, बहुत खूबसूरत व्यू है ये भी जी। हाँ जी फोन आ रही थी आपको अहमद की जी, जब मैं वीडियो बना रहा था छोटा था जी जी अहमद की थी जी जी, उसने ट्रेन मिस कर दी है। अब ड्यूरिंग शूट उसकी कॉल मैं क्या सुनूं। ये देखें जी बहुत खूबसूरत व्यू है ये, कुछ खाना बदोशों की झोंपड़ियाँ हैं वहाँ पे। ये खूबसूरत सा एक ब्रिज है और ये ट्रेन मोड़ काट रही है, ट्रैक को चेंज कर रही है। एक साहब ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पकड़ लिया उन्होंने भी। और वहाँ पे कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। कोट लखपत स्टेशन को लेफ्ट कर दिया है जी हमारी इस ट्रेन ने। मज़ीद कुछ और स्टेशन आएंगे और फिर हम जहाँ पे प्यारे वतन पाकिस्तान का अख्ताम होता है। मकसद आपको प्यारे पाकिस्तान की प्यारी जगह दिखाना है। आप जब भी रेलवे में सफ़र करें कोशिश करें गेट पे खड़े ना हो, बड़ी एहतियात से ज़्यादा तदाबीर के साथ मैं इस पर गेट पे खड़ा हूँ। ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ा नहीं रहूँगा। अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो आप सीट्स पे बैठें और ना गेट से पड़े रहें और इसको क्लोज रखें। स्मोक की वजह से और मेरा कैमरा जो है और मेरा एक कैमरा मैन, कुछ टीम मेंबर रह गए हैं, इस ट्रेन को पकड़ नहीं सके, तो मोबाइल से इसको मैं जो है वो कैप्चर कर रहा हूँ आपके लिए।
अहमद डर रहा है। अहमद क्या सजा बनती है आज अहमद की दूसरे की? हाँ जी बात ना की जाए। नहीं ये तो बहुत छोटी पनिशमेंट है। आज अहमद का फर्स्ट वीडियो है हमारे साथ और फर्स्ट वीडियो में ही जो हमारे कैमरामैन है अहमद साहब, दूसरे अहमद साहब, उन्होंने ट्रेन मिस कर दिया है। साथ एक और हैं, बड़े शर्मीले हैं वो, कैमरा शे हैं, तो उन्होंने भी मिस कर दिया ये ट्रेन। खैर इनसे पूछेंगे। ये देखें नाज़रीन, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और हर कोई अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवा दवा है। किसी स्टेशन पे कोई उतर जाता है और कोई नया पैसेंजर जो है वो सवार हो जाता है ट्रेन पे। इसी तरह एक ज़िंदगी है, लोग आते हैं चले जाते हैं। ज़िंदगी बेसिकली एक सफ़र है जी। ये एक और स्टेशन है जी, काना काछा। ये भी बड़ा पुराना स्टेशन है ब्रिटिश दौर का। ये खूबसूरत से तमीरात मिलेंगी आपको। ये बड़ा जुल्म है नाजरीन। ये आप देखें एक सोसाइटी है ये। ये हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। जो जरई रकबा है वो खत्म होता जा रहा है और इन सोसाइटीज की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। नज़ारा है और ये रायवंड का रेलवे स्टेशन आ गया है। खूबसूरत ट्रैक है और तुलुए आफ्ताब का एक खूबसूरत मंजर है जी। कोई 15 मिनट का रास्ता है हमारा यहाँ से वतन अजीज़ के आखिरी रेलवे स्टेशन का। पाको हिंद का जो सरहदी इलाका है वहाँ तक जाने के लिए 15 मिनट का रास्ता है तकरीबन। तो फिर जाके उस ज़ीरो लाइन पे उन सरहदी इलाकों में जाके तो आपको वहाँ पे लोगों का रहन सहन, उनके घर दिखाएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत जुल्म है जी। ये देखें, ये एक पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो आपको तकरीबन तबाह बर्बाद मिलेगी। इसी तरह अलमिया है जी, ये पूरी की पूरी ट्रेन न जाने कितनी बोगियाँ हैं जो कि इस वक्त तबाह बर्बाद हुई पड़ी हैं। जी हाँ नाज़रीन, तलुए आफ्ताब हो चुका है। मैं इस वक्त रायवंड स्टेशन पे खड़ा हूँ। ये ट्रेन जो है हमारी कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकी है। जिन पैसेंजर्स ने उतरना है वो उतर जाएंगे और जिन्होंने अगले स्टेशन्स के लिए ट्रेन पकड़नी है वो पकड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं इस ट्रेन में। छोटा सा मगर बड़ा खूबसूरत सा ये रायवंड स्टेशन है और जो कि रायवंड महल के नाम से भी जाना जाता है। मेरे ज़्यादातर नाज़रीन जान गए होंगे रायवंड महल का नाम सुन के। तो ये बड़ा खूबसूरत और एक बूढ़ा सा पुराना पेड़ है और इसके साथ ये बड़ा प्यारा सिटिंग का बनाया हुआ है। ये अहमद ज़रा दिखाएं, तो बड़ा प्यारा है ये। गर्मियों में तपती धूप में आप इसके साए में बैठ सकते हैं। मुसाफिर जो हैं यहाँ पे इंतज़ार करते हैं अपनी गाड़ी का। तो बड़ा खूबसूरत है ये अहमद, ये ज़रा दिखाएं सारा घुमा के एरिया। ये यहाँ आपको एक कंटीन भी मिलेगी जी, तक्षाप मिलेगी एक खूबसूरत सी। बहुत प्यारा रेलवे स्टेशन है ये रायवंड का, रायवंड महल जाति अमरा। ये इंतज़ार गाह है जी पैसेंजर्स की। आइए अहमद सवार होते हैं, रेडी है दोबारा चलने के लिए ट्रेन हमारी जी। वो खाली है, इसमें चलें, इसमें चलें। और मोड़ काट रही है ट्रेन। ये बड़ा खूबसूरत सा मंजर है एक।
ये स्टेशन भी जो है जी ये ब्रिटिश दौर का है और बहुत पुराना है। ना सिर्फ स्टेशन बल्कि ये जो ट्रैक है ये भी ब्रिटिश दौर का है और बड़ा ओल्ड है, पुराना है। ये जी एक ईंटों का भट्टा है, ये भट्टे भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं, आबादी के बढ़ने की वजह से ये खेत खलिहान खुली ज़मीन इलाके फसलें ख़त्म होने की वजह से। जब हम शहर में थे तो सूरज जो है वो थलू हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये देहाती इलाका है, खुला इलाका है, खेत खलिहान है, तो सूरज अभी थलू नहीं हुआ है यहाँ पे। बहरहाल बहुत खूबसूरत नज़ारा है और मेरी ज़िंदगी की ये बहुत खूबसूरत सुबह है, बहुत खूबसूरत सफ़र है। ये खूबसूरत सा एक फॉर्म मिलेगा, गॉड है, काओ है। नाज़रीन ये एक और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, इस ट्रैक के साथ ये एक दरगाह है जी, तो ये औलिया अल्लाह है उनकी दरगाह गुजरी है। रेलवे ट्रैक के साथ साथ ये भैंसे और जड़ियाँ किकरा ने जी ये बड़ा एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही हैं, दिखा रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान का वो आखिरी शहर है कसूर, जो कि जिसकी सरहद हिंदुस्तान के साथ लगती है। जी हाँ नाज़रीन, हम आ चुके हैं इस वक्त कसूर शहर में, कसूर रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं सुबह सुबह बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं और बड़ा प्यारा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये, बहुत ज़्यादा रश भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जी हाँ नाज़रीन, हम इस वक्त आ गए हैं, उतर गए हैं कसूर रेलवे स्टेशन पर। यह खूबसूरत से स्टॉल मिलेंगे यहाँ पे। ये बड़ा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है जी कसूर शहर का, ये भी पुराना ब्रिटिश दौर का है जी। ये टिकट घर आपको मिलेगा, ये भी पुराना और हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है जी, ब्रिटिश दौर का है। अगर कैमरामैन आपको ये सारा दिखा सके तो। वेटिंग रूम्स हैं जी ये इसके, ये उसी दौर के स्विच बोर्ड्स हैं जी। अब बुकिंग ऑफिस टिकट घर ये कर दिया, वो वाला बंद है जी, यहाँ से आपको टिकट्स मिलती हैं। ये भी आपको एक पुरानी विंडो मिलेगी। ये नाज़रीन हम प्लेटफॉर्म से बाहर आए हैं, ये कसूर सिटी है, कसूर सिटी में एंटर होने लगे हैं हम। जी हाँ, कसूर शहर हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ बाबा बुल्ले शाह कसूरी सरकार, ये उनका शहर है। हज़रत कमाल चिश्ती सरकार ने भी यही डेरे लगा रखे हैं। तो शहर कसूर में हमारा ये पड़ाव अभी तवील है, आपको ये शहर कसूर दिखाएंगे, हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार का मज़ार भी दिखाएंगे अपने आने वाले व्लॉग्स में, हज़रत कमाल चिश्ती सरकार की दरगाह पे भी आपको लेके जाएंगे।
जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुगल के शुगल और मैं हूँ नईम मुगल। तो शहर कसूर में हमारा पड़ाव थोड़ा सा तवील होगा, आपको सारा शहर दिखाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अब इस वीडियो की तरफ। हम कसूर शहर में तो दाखिल नहीं होंगे, इस ट्रैक पे वापस चलते हैं और इस ट्रैक के साथ साथ जो सरहदी इलाका है भारत जो है हिंदुस्तान वाली साइड उसके करीब तक जाने की कोशिश करते हैं। तो आइए नाज़रीन, अहमद को बड़ा शौक था जी साथ आने का, इसकी पहली वीडियो है। अहमद इंजॉय किए ये जर्नी आपने? चले फ्रेश हो जाएं आप भी, हाथ मुंह धो लें, फिर आगे कोई लॉन्ड्री वाला ढूंढते हैं, चेंज करते हैं और खाना शाना खाएंगे, कुछ रेस्ट करेंगे और बाकी के जो एरियाज हैं उनको कवर करेंगे। ये जी अहमद आएगा, आज उसकी क्लास होगी, लेकिन उससे पहले मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये गर्मा गर्म पकौड़े और ये शामी देख के, गर्म गर्म जो तवे पे ये नान गर्म करके देते हैं, ये देख के क्यों हजरत हंस रहे हैं? हजरत भी हैं तो क्यों सर, मज़े के हैं, अच्छा टेस्ट इनका। हम भी थोड़ा सा भोजन करते हैं अहमद के आने तक, फिर प्रॉपर कोई नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह पकौड़े हैं तो समझ से बाहर, लेकिन क्या किया जाए। क्यों अहमद लाइट सा हो जाए यार। सर रेडी है हमारी प्लेट? आए अहमद देखते हैं जरा। सर शामी भी रखी है? शामी भी। ये देखें जी डिस्पोजिबल प्लेट में सुबह सुबह पकौड़ों का नाश्ता। क्लोज करें जरा अहमद इसको, देखिए सुबह सुबह पकौड़ों का नाश्ता। ये गर्मा गर्म नान तो नहीं, खमीरी रोटी आप इसको कह सकते हैं। तो अहमद हैं, अहमद ये ले। अहमद का जी, अहमद का पहला वीडियो है जी साथ हमारे। अहमद कैसा टेस्ट, अच्छे? सुबह सुबह पकौड़े लेकिन मज़े के हैं। वो तो हमारे एक व्लॉगर हैं, उनकी बात याद आ गई कि कह लें कि मज़ा आ गया। आए अहमद आप भी खाना खाएं, अब टाइम से उठी ना जी। जिसने ट्रेन मिस की है, सारे रास्ते जिक्र करता आया हूँ मैं इसका, तो कैमरे भी पास से इसके, हर चीज़ पास से इसके, फ़ोन से शूट करते रहे हम। और अहमद वो दूसरा लड़का किधर है शानी? वो भी आ रहा है। आ रहा है वो भी? नाज़रीन अहमद ने ज्वाइन कर लिया है, तो अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये आगे ज़ीरो लाइन और जहाँ से भारतीय सरहदी इलाका जो है वो शुरू होता है वो सारा आपको दिखाते हैं। अहमद पकौड़े इंजॉय किए हैं हमने, खाएगा पकौड़े या बाहर से कोई पाइश ही ढूँढे? जैसे आपको थोड़े से पकौड़े चेक कर ले यार। हजरत ये पकौड़ों की एक और प्लेट बनाइएगा जरा शामी के साथ। ख़त्म कर दिए अहमद यार, ये तो ख़त्म कर दिए इन्होंने इसलिए। अच्छा बस इस ट्रेन तक होते हैं आप, उसके बाद एंड? अभी शाम को, आप शाम को ट्रेन आएगी, शाम को फिर शाम को। चले अहमद आपकी प्लेट तो बन जाएगी यार, पड़े हैं वो बना लो। ये जी नाज़रीन बड़े मज़ेदार इनके पकौड़े और ये शामी थे, और इन्होंने बताया कि अभी ट्रेन गुजर गई है, सिर्फ इस ट्रेन को कवर करते हैं, इसके बाद अब शाम को दोबारा आएंगे। अहमद आप ज़रा थोड़ा सा खाना नोश फरमा लें, मैं उतनी देर चाय पी लेता हूँ, फिर आप बाद में पी लीजिएगा। अहमद ज़रा चाय बनवाएं। अच्छा अहमद इनका नाम भी अहमद है हज़रत दो कप चाय बना दें। हाँ बना दें, बस मीठा तेज़ तो नहीं है ना ज़्यादा, कम ही है ना, बस बना दें, डाल दें दो कप। ये जी मीठा चेक करने लगे हजरत, कहते हैं गुड़ वाली चाय बड़ी मजे की है। ठीक है जी मीठा। मियाँ जी कितनी उम्र है अपनी? मेरी 6 साल काट। 100 साल तो 6 साल काटे, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तुसी ते बंदियां वेखिया,
अच्छा इन्हों पुछिए नहीं नहीं यंग ने हले अच्छा तो कोई ऐसी खूबसूरत याद कोई ऐसी दिल खराश याद जी कि अज भी याद आती होने वरिया बाद भी याद आती है तो मैं रोन आता अपने अखा कहते रोना रोना आता है मुसलमान गड्डिया दो मुसलमान दिया बेटिया ने गाला नहीं कड़निया संदूक नोटा नाल भरे बैग रोंदे फिरते सब छड़ के नस गया जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बने माइग्रेशन हुई है हिजरत हुई है उस दौरान जंग का दस रहे हो अच्छा जिधर बोर्ड लगा हुआ है मेरा कैमरा मैन दिखा रहा है ये कब्र है किसकी कब्र है जी ये दिया दी हाँ जी शहीद हुए अच्छा जो शहीद हुए हैं जी हमारे आर्मी के जवान वो कब्र भी है उधर एक ये कब्र है चलते हैं फातह खानी करते हैं अहमद वहाँ पे और चारदारी काटते ऐसे मिट्टी पाते और खा देता ऊपर तो मियाँ जी जो हिजरत हुई है 47 तो बाद तो भाई इलाका केड़ा सी पाकिस्तान शहर कसूर दे सी या पिछो उधरों आए हो पत्तों की वाणा का पिंड ते की सूरत हाल सी जो हिजरत करके लोग आए ने अच्छा 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 जुत्ती चोर रहे ने अच्छा नहीं मियां जी कहंदे फिर मैं गालां कड्डांगा झूठ बोलदे ने चलो नहीं भाई बनाओ जी बिल्कुल मैं मना कीता रोके और मियां जी रोक गए ने गालां नहीं कड्डनियां ना तारो पार किसी नूं कड्डनी है ना तार दे इधरले बन्ने जिहड़े उहनां नूं कड्डनी है इशारे ना गाल काट दी उन्होंने लेकिन नहीं आप मजहबी गल करनी है जनरल यूब खान साहब का सर्टिफिकेट अच्छा 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 शहर कसूर च आया किन्नी देर हो गई है सठ साल हो गए ने शहर कसूर च आया थानू यानी कि कोई कह लो कि 1960 के कोल तकरीबन तुसी आए हो 65 दे 65 65 दी जंग तो बाद आए हो पहले आए थे ऐसे वो लोग ऐसे शहीद बंदियां चौंधरी मैं कह रहा ऐसे आप ना कह रहा मुलाजम था सी अच्छा अच्छा रेलवे च मुलाजम सी 65 दी जंग तो पहले आए ने जी ए बुजुर्ग काबिले मोहतरम ने साडे लई ते 1965 दी वार च इंडिया दी तरफों जदों गो के साडा विलॉग मुहब्बत अमन भाईचारे का है लेकिन फिर भी तारीख दे इस किस्से नूं दोहराना भी जरूरी है जिहड़ी के कह लो कि कुछ लोगों की आप बीती है कुछ की अखा देखी है ते कुछ की जग बीती सुनी सुनाई है ते ओ ने जिन्हों की अखी देखी भी है ते आप बीती भी है कहिंदे ने कबर आप इन्हां कढ़ी है रेलवे के मुलाजम सन ते इत्थे जिहड़े शहीद ने मार्टर्स ने उन्हां दी ओ ग्रेव है कबर है वो इन्होंने बनाई है ते मियां जी कोई इदारे दी तरफों हुकूमत दी तरफों फौज दी तरफों कबर दे उत्ते कोई आंदा है सलामी दित्ती जांदी है कोई लपाई कीती जांदी है हां जी आवाम आ गई उन्हां नहीं पता इत्थे कबर किन्नी किन्नी अच्छा ये आवाम आंदी है सिर्फ आवाम आ रही
झाका लग चुका सी, कोई नहीं सी नसिया, बाकी 65 दी जंग च पिंड खाली हो गया सी, नस गए सी लोकी। कोई ऐसा वाकया यादगार दसो जेड़ा कोई गोला शोला डिगा होवे तुहाडे कोल, कोई पैरां च डिग पिया होवे एवें? नहीं नहीं, पौड़ियां लागे। अच्छा, पौड़ियां लागे डिगा सी? सूतर दा गोला सी जेड़ा ना पै? नहीं नहीं, सूतर दा नहीं, जेनवन गोला जेड़ा उधरों आया सी। मास्टर पंडित साहब तुसीं फेर मेरा जे पासे लाए चले जे, मैं सिर ओ बंदे ही होया ते मैं खाना इज्जत पढ़दा छड़दा रखो है, ये पूरी दुनिया ने हुण वेखना है, सारी दुनिया ने इन्हां नूं वेखना। अच्छा, तुहाडी इन्हां नाल पट्टी साहब नाल थोड़ी जी क्यों लगदी है? मेरी कोई इतना सलामदा नहीं, कोई वाकफी नहीं। अच्छा अच्छा, मैं इज्जत करना थोड़ी बहुत ही, थोड़ी बहुत ही, लेकिन मैं इज्जत नहीं करा। भाई मैं ना द्रोहे ना लड़ाई लली भाई, उन्होंने जी काम होया नहीं, आ चलो मैं चलवा तो काम होया ही नहीं। अच्छा, तेरी मेरी सलाम दो ही नहीं हूं जाला। बंदे तीन बंदे, आ बंदा मुंडा है अपना ही है। अच्छा, ए मैं चार बंदे नए वर दे खप गए ने। यादगार वाकया सुनाओ ताकि असीं सोहणियां जिहियां यादां लै के इत्थों जाईए। अच्छा, तुसीं आप भी फौज दे नाल कोई लड़े सीगे उस वक्त? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਡੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਲੜਨ? ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਰੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਬੰਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਰਸਤੇ ਬਾਅਦ ਪਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਡੱਬੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂਰ ਜਾਨ ਨੇ ਕੱਥਰ ਦੀ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਜੰਗ ਚ ਜੀਤ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅੱਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦਫਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਦੀ, ਆ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। नूर जहां ने जेड़े गाने बोले ने जी 65 दी जंग च, सुनिया बार्डर ते जाके सफाइयां दे दरमियान जाके बोले ने उन्हें, ते ऐसे कसूर शहर च ऐसे बार्डर ते बोले गए सी ओ? नहीं, ओ खेम करन वाले खेम नहीं, नूर जहान कसूर दे सन जदों जंग च गाया ना उदों अपना यू जिहा सी ना उहने बंब बन लिया सी, जो 600 टैंक ने हमला कीता सी उहने बंब बन लिया, अपनी आप ने बुढ़े बुढ़े बंदे कहा नहीं जी साडा बादशाह है
ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਪਾਲ ਜਨਰਲ ਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਬੰਬ ਬੰਨੇ ਸੀ ਆ ਫਿਰ ਵਾਮ ਨੇ ਨਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 600 ਟਾਂਗ ਦਾ ਹਵਲਾ ਰੋਕਿਆ ਥੱਲੇ ਨੰਮਿਆ ਪੈ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ 94 ਈਅਰ ਓਲਡ 94 ਸਾਲ ਇਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਯੇ ਆਂਖੋਂ ਦੇਖਾ ਆਪ ਬੀਤੀ ਔਰ ਜਗ ਬੀਤੀ ਸਭ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਯੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੋਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਅਫਵਾਜ ਕੋ ਬੁਰਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਫੌਜ ਉਸਕੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅੱਲਾ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੁਗਲ ਕੇ ਸ਼ੁਗਲ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਈਮ ਮੁਗਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਕੀ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ ਆਜ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਬਰਸਗੀ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਕੀ ਅਜ਼ੀਮ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਉਨਕੀ ਹਵੇਲੀ ਉਨਕੇ ਘਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ